हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सिंपल कन्वर्सेशन सेंटेंसेस में डे 13 में कुछ बहुत सिंपल सेंटेंसेस ले रहे हैं जो आपके घर में ही आपको यूज करने होते हैं। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं या किसी ने आपसे किसी काम के लिए कहा, तो आपको इंग्लिश समझनी भी आनी चाहिए और उसे यूज करना भी आना चाहिए। तो आज हम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस ले रहे हैं कुछ चीजों को लेते हुए। जैसे आपके घर में सब में अलमारी तो होती है, तो अलमारी को खोलने के लिए क्या बोलेंगे? अगर कोई बोल रहा है ओपन द अलमीरा, पहली बात तो अलमारी को इंग्लिश में अलमीरा बोलते हैं। तो जब भी आप बोल रहे हैं तो अलमीरा बोलें, अलमारी ना बोलें। तो ओपन द अलमीरा, अलमारी खोलो। कीप द डोर अजार या हाफ ओपन। अब किसी चीज को अगर आधा खोलना है तो उसके लिए अजार वर्ड या हाफ ओपन वर्ड यूज करते हैं। तो आप ये वर्ड अलमारी के साथ भी यूज कर सकते हैं, कीप द अलमीरा अजार और हाफ ओपन, या कीप द डोर अजार और या हाफ ओपन। तो अजार या हाफ ओपन में से कोई भी एक वर्ड आप चूज करेंगे, इसका मीनिंग होगा आधा खोलो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 3, पुट कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। तो अब ये क्या हुआ, पुट मतलब या कीप मतलब क्या होता है, रखना। तो यहाँ पे क्या रखने को बोल रहे हैं, क्लोथ्स को अलमीरा में रखने को, तो कपड़ों को अलमारी में रखो। क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग, क्लोज यानी बंद करना, तो खाते वक्त अपना मुंह बंद करो। बंद करो मतलब मुंह में जब आप चबा रहे हो तो ज्यादा अंदर का दिखे नहीं। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि बातें नहीं करो, खाते समय बातें नहीं करो, तो यहाँ पर क्लोज की जगह शट आ जाएगा, क्योंकि मुंह बंद रखो आएगा, वहां पर बंद करो नहीं आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, शट द माउथ व्हाइल ईटिंग। यहाँ पर चूंकि मुंह बंद करो है इसीलिए क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग। इंसर्ट अ नेल हेयर, नेल यानी कील, तो यहाँ पे कील लगा दो, यहाँ पर एक कील लगा दो। इंसर्ट अ नेल हेयर, नेल यानी कील जो दीवार पे लगाई जाती है। आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल, ये सेंटेंस की फॉर्मेटिंग ऐसी है कि इसे आप कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स, आई कैन नॉट फाइंड माई बुक, आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल चार्जर और एनीथिंग एल्स, जो भी आपकी चीज नहीं मिल रही है या जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर है आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे, इस टी शर्ट को अभी के अभी उतार दो, तो अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो। ये सेंटेंस टेक ऑफ जो वर्ड है वो उतार देने के लिए या हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कर्टेन्स के साथ में, बेडशीट के साथ में, कपड़ों के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, और अभी के अभी के लिए राइट अवे। पुट ऑन द शूज, अब उतारने के लिए टेक ऑफ है तो पहनने के लिए क्या है, पुट, या वियर शब्द भी यूज होता है लेकिन पुट कॉमन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। तो पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो, टेक ऑफ द शूज, जूते उतार दो। अब ये हुआ कपड़े या जूते वगैरह पहनने उतारने के लिए। जब सब्जियों के छिलके उतारे जाते हैं या फलों के छिलके उतारे जाते हैं तो उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है, उनके लिए मैक्सिमम जो सब फलों के लिए यूज होता है पील, पील यानी उसका छिलका, जब किसी चीज का छिलका उतर जाता है तो उसको पील वर्ड कहते हैं। तो पील ऑफ द ऑरेंज, संतरा छील दो या संतरे का छिलका निकाल दो। पील ऑफ द एप्पल, सेब का छिलका उतार दो। इसी तरह से और भी फ्रूट्स को आप ले सकते हैं, जैसे पील ऑफ द बनाना, बनाना का छिलका उतार दो। अब लास्ट सेंटेंस है आज का, अप्लाई द ऑयल इन ऑन द हेयर, तो सिर पर तेल लगा दो या बालों पर तेल लगा दो। तो इसके लिए क्या होगा, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। इसके आगे के सेंटेंसेस हम कल करेंगे, नेक्स्ट डे में करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल एंड कॉमन सेंटेंसेस हैं। उन्हें, इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर आप खुद ही देखेंगे कि आप डेली यूज में भी कितने इंग्लिश सेंटेंसेस और वर्ड्स को यूज कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, स्टे एट होम, स्टे सेफ।